दोस्तों नमस्कार, फिर से मेरे साथ दो परिवार है हरियाणा से। आप जतिन यादव है, आपका स्कोर 660 है। महेश है, आपका स्कोर 666 है। आप हरियाणा से हैं, आप मानेसर गुड़गांव से हैं, आप महेंद्रगढ़ से हैं। तो एक एक बच्चे माइक लेके आता हूँ, आप पूरी बात रखे बेटा, मेरे से अपनी बात रखे बेटा, पूरा देते हो पीछे बात रखे। नमस्कार, सबसे पहले आदरणीय बोस, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी संस्था का यहाँ पे निर्माण किया, यहाँ पे स्थापित किया, क्योंकि हम वहाँ पे हरियाणा में हैं, वहाँ पे लगभग इतनी अच्छी संस्था वहाँ पे नहीं मिल पाई, इस कारण से हमें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन हमें यहाँ पे आने के बाद कोई दुख नहीं हुआ, हमें अपनों जैसा ही व्यवहार मिला यहाँ पे। और जब से मैं यहाँ पे CLG में आया हूँ, मैंने यहाँ पे अक्टूबर 5 को लास्ट ईयर 2020 में एडमिशन ले लिया था। मैं नीट के स्कोर की बात देख रहा था, फिर लास्ट ईयर जब 2020 का आया उसकी, फिर उसके अंदर कुछ अच्छा परिणाम नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे CLC एक बार सीखकर आने का जब विचार किया, तो पापा के साथ यहाँ पे आए थे हम कोचिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहली हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि CLC में जाना एक बार, वहाँ पे आपको संतुष्टि होगी। तो हम पहली सबसे पहले सीखकर में आए, तो जब CLC में ही आए थे, तो CLC में आने के बाद हम सर्वेश सर से मिले। सर्वेश सर ने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया कि क्या यहाँ पे प्लान होता है, कैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है, तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने यहीं पर एडमिशन ले लिया था उसी दिन ही, यहाँ पे हमें वो बैग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया था, तो हम एडमिशन लेके यहाँ से चले गए थे। फिर सही 5 दिन बाद हम यहाँ पे हॉस्टल में आ गया था मैं, तो पापा हॉस्टल में मैं पहले रहा था 2-3 महीने। फिर जब बी बिल्डिंग खुली तो वहाँ पे सर ने मुझे शिफ्ट करवा दिया था। वापस जाने के बाद हम ऐसे बच्चों के साथ रहे जो कि अभी यहाँ पे मेरे दोस्त यहीं पे बैठे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर जो चले, उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बाकी बोस ने तो पूरी अपनी जो टेस्ट सीरीज वगैरह और जो क्लासेस का जो शेड्यूल बनाया था वो ही सबसे बेस्ट रहा था, उसी की बदौलत हम यहीं पे आज। धन्यवाद। एक बेस्ट बेटा, आप क्लास का स्कोर क्या था? क्या सर, लास्ट का स्कोर क्या था? लास्ट ईयर मेरे सर 533 नंबर थे। ये लाइव जो देख रहे वीडियो को, 533 से आप 666 पे आए। लास्ट ईयर मेरी 62,000 कुछ रैंक थी सर। तो 62,000 से तुम सीधा आ गए 1900 पे। ये इस वीडियो को, ये इतने वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये इतनी एनर्जी का समय, इतनी व्यवस्थाएं, एक सब इसलिए दिया जा रहा है कि यदि एक कोई अगला महेश, एक और महेश इस महेश को सुन के तैयार हो जाता है। दोस्तों कहते हैं ना, बल्ब कितना अच्छा हो चाहिए, बल्ब किसी दूसरे बल्ब को प्रकाशित नहीं कर सकता। दीपक से कितना छोटा क्यों ना हो, एक दीपक से हजारों दीपक अपन ऑन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दीपक है, ये बच्चे दीपक की तरह काम करते हैं। 607 नंबर, 533 से बढ़ के आप वहां जाते हैं। 130 नंबर कहना बहुत आसान है साहब, बजाना बहुत मुश्किल है। गांव में कहते हैं ना, जीभ बिना हड्डी की है, हिलाना बहुत आसान है, और जो जीभ से कह दिया वो करने में बहुत जोड़ता था। कतरी और करनी को एक करने में पजना बांधना पड़ता है। इन बच्चों के जोरदार ताले बनाए एक बार। और ये एक अच्छा बेटा, आप और बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे, आपके पिताजी राधे श्याम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ और लाउन गांव है मेरा। ये बच्चा जो हमने CLC में भेजा है वो भाई मम्मी को बोल रही है। कोई बात नहीं, आप क्या करते हो? फार्मर, खेती करते हो, छोड़ो डॉक्टर है, अभी खेती करते हो, लेकिन 10 साल के बाद एक बड़े हॉस्पिटल के बाहर बैठोगे अखिल से, तो मेरा बाप बैठता CLC के बाहर जिंदा बच्चो, मैं इसके बाद बैठोगे कई बार। तो कई कहते हैं वो पिताजी बैठे होते हैं, तो क्या आप कौन है? जब माँ बैठे हो बाप कौन है? थैंक यू। आप महेश के पिता हैं, आप दादा हैं, आपके छोटे भाई हैं, आप महेंद्र करते हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। अब मैं माइक देना चाहूंगा हमारे जतिन को, जिसका स्कोर 660 बेटा। जतिन, मैं बहुत ही खुश हूं, क्रिकेट करता हूं। जतिन, आपका स्कोर लास्ट ईयर क्या था? नीट था लास्ट ईयर मेरा स्कोर 538 था। 538 से 660 पे आ गए। आप इस साल कहाँ रहे बेटा? मैं पिछले साल मतलब स्कूलिंग से था, 533 था जब मेरा स्कूलिंग, फिर मैं CLC आया। मैं करीब करीब करते हो मानेसर गुड़गांव। मेरा नाम जतिन है, मैं CLC करीब करीब 28 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पिछले साल मेरा स्कोर ज़्यादा ठीक नहीं रहा। फिर हम यहाँ पे आए, तो मतलब पिछले साल मेरे मामा का लड़का था एक, उसका यहाँ से सिलेक्शन हुआ, तो हमारे मामा ने कहा कि CLC जाओ, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो हम आए एक बार देखने, आए तो मतलब प्लान वगैरह देखा कि टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छी चलती है। तो शुरू में आए तो बाबा हॉस्टल में रुके, तो बाबा हॉस्टल में मेरा ये महेश, हम दोनों साथ ही एक स्कूल में ही पढ़ते थे, तो ये मिल गया वहाँ पे। फिर हमने बॉस से थोड़ी रिक्वेस्ट की, बॉस ने हमें बी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। तो हम जब शुरू शुरू में आए, हमने सोचा था कि बस बी बिल्डिंग में जाना, बस इतना ही हमारा,
यही कर सकते हैं। फिर मतलब थोड़े थोड़े हमने बनाए टारगेट की आगे ये करना है, आगे इतना स्कोर लाना है। फिर थोड़े थोड़े टारगेट से सोचा कि 10,000 में रैंक आ जाएगी, वही बहुत है। फिर लेकिन सीएलसी ने जो लास्ट में टेस्ट सीरीज चलाई थी, मतलब 15 टेस्ट थे वो दंगल वाले, काफ़ी अच्छे टेस्ट थे वो, उनसे हमें मतलब बहुत ज़्यादा रिविज़न हुआ हमारा, करीब करीब 3-4 बार रिविज़न हो गया। और मैं सीएलसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी 3,000 में रैंक आ गई। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे 630 के करीब नंबर आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी सही नंबर आ गए। तो बॉस को धन्यवाद, बॉस हमें मतलब मोटिवेट करने बी बिल्डिंग रात को 10 बजे भी आए थे एक बार, बोले कि बी बिल्डिंग का एक भी बच्चा 680 से नीचे नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो तो हम नहीं कर पाए। लेकिन 3,000 में रैंक आ गई तो बॉस को हमारा बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्लीज बात रखिए अपने। सभी को हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत आदर पूर्वक नमस्कार, राम राम जी। मेरा नाम विद्यानंद है, गांव मानेसर है, पेशे से मैं अध्यापक हूँ, PGT इंग्लिश लेक्चरर। हम पिछले साल, मेरे साला का लड़का यहाँ पर रहा था 2 साल, नाम बताओ उसका, विपिन यादव, जमींदार का लड़का, बिल्कुल ठेठ झोपड़ी में रहने वाला, बहुत ज़्यादा जमीन भी नहीं थी उसके पास, तो 20-30 किले थे, लेकिन बॉस के आशीर्वाद से और इनकी कार्यशैली के अनुसार वो लड़का आज फरीदाबाद से MBBS कर रहा है, बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत बढ़िया। उसको रोहतक मेडिकल मिल गया था, लेकिन 40 लाख का बॉन्ड होने के कारण, क्योंकि मैं नहीं दे सकता, मैं उनका फूफा लगता हूँ, मेरे पैसे कहाँ से देंगे, मुझे भी ये आता था, लेकिन उसने कहा ना मैं नहीं लूँगा। उसने फिर फरीदाबाद में वो MBBS कर रहा है। उसी समय पिछले अक्टूबर में हमने बहुत से कहा था कि सर ये बच्चा आपकी झोली में है, धन असबाब महल हवेली सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास ये लड़का है, मैं आपकी झोली में डाल करके जा रहा हूँ। ये सच्ची बात है, कोई ये समझे कि भाई वैसे ही बकवास है। आज बॉस जी ने जैसे कहा था, पहचान लिया था, मैं बॉस जी की झोली में उसी दिन डाल के, चाहे कोरोना आया चाहे नहीं आया, लेकिन बॉस ने इस बच्चे को, और ये इनकी मम्मी है, ये केवल इन्हीं की इच्छा थी भाई मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊं, सारा इन्हीं का योगदान है। मैं तो सुबह ड्यूटी पे चला गया, हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मैं केयर नहीं कर सकता था 4 साल, लेकिन इस बच्चे ने उसके विरुद्ध भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और इनकी बदौलत से बचपन से यही संभाल रही है। 1992 की प्लस टू है ये, लेकिन इसको अब ये खुशी के आंसू आ रहे होंगे, बहुत खुश है। तो मैं अभी एक मिनट खड़ा होऊंगा, क्योंकि बैठा नहीं रह जाता थोड़ी देर तक। तो बॉस जी के सम्मान के लिए, चाहे मेरे शब्द जैसे भी हैं, बॉस जी के मेरे लिए सर के ताज हैं, जिन्होंने आज मुझे, बॉस जी ने एक मैसेज डाला गुड़गावा इस पे व्हाट्सएप मैसेज पे, उसी दिन से मेरे पास का हजारों, भाई साहब ये आपका लड़का, मुको हाँ जी आपका ही है, उसी दिन से मुको आपको कैसे, बोल जी कोई CLC संस्था है सीकर की, वहाँ से हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उसके बाद से हमें बधाइयों का सब चीज मिलने लग गया। और अब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ से श्याम जी धाम हो गया, फिर सालासर धाम हो गया हनुमान जी का, और उसके बाद सिक्कर धाम CLC शिक्षा धाम हो गया। ये आप सभी को CLC शिक्षा धाम अपने मन में ये बैठा करके चलना, और कोई ये मत सोचना भाई अध्यापक हूँ बोलूँगा बहुत तेज, किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। और बस साहब तो हम बॉस जी से, हम तो पिछले दफ़ा भी मिले थे तो बॉस जी ने हमें पहचान लिया, भाई वो फूफा जी वाली बात है, वो हम वहाँ पीछे सीट पर बैठे थे, आज भी हम वहीं थे। और उस समय मैंने कहा था बॉस जी से, भाई बॉस जी 4 लाइन जरूर बताऊंगा, तो हरियाणवी है, हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन मैं तो हिंदी बोलता हूँ, लेकिन हरियाणवी है, लेक्चरर इंग्लिश का हूँ, ये कोई वो नहीं, एक वजह से इंग्लिश है क्योंकि वो एक विदेशी भाषा है, खाना कमाने के लिए बोलते हैं हम। तो हमारे एक हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद कवि हुए थे बहुत पुराने, जिन्होंने किसी चीज को छोड़ा नहीं था, उन्होंने 4 लाइन कही थी, बोला लक्ष्मी चंद के धर्म करे बिन धनगारत चाहिए से, नीच दुष्ट चलियों की खातर महाभारत चाहिए से, कृष्ण की दया और मारणिया खुद पारत चाहिए से, सिद्ध श्री भगवान स्वरूप का गीता में गुण गाया। पारत कौन था? अर्जुन।
अर्जुन को पारथ कहते थे और कृष्ण भगवान को तो सभी जानते हैं। तो ये बोस के सभी ये चेले हैं, ये सभी इनके अनुसारी, इनके बताए अनुसारी सभी चल रहे हैं और इनके आदेश से, इनकी कृपा से, इनके CLC शिक्षा धाम से। देखो हमारा तो बेड़ा पार हो गया है, हम तो यही चाहते थे, यही हमारे धर्मपत्नी की इच्छा थी जो इनकी पूरी हो गई, और मुझे कोई इच्छा नहीं है जीने का भी कोई वो नहीं, चलो हार्ट पेशेंट से कल दे, लेकिन जो इच्छा थी इनकी पूर्ति के लिए मैं बोस के अगर चरण स्पर्श करूं तो भी कम है, और हमारा बच्चा भी। इन्होंने हमारा सर इतना ऊंचा उठा दिया कि गांव माने सर रहता हूं कौसली में, लेकिन वहां तक गूंज CLC की गूंजी है, गूंज CLC की गूंजी है। तो मैं तो यही कहूंगा इनकी तरफ से भी, क्योंकि आज इनका गला खराब है, ये शायद बोल ना पाएगी, तो जय CLC। तो ये हमारे दो गार्जियन थे हरियाणा के, चार बच्चे तो आपके सामने आ चुके, 3,000 के बैंक में, इसलिए विश्वास बहुत कर रहे हैं हरियाणा के साथी हमारे ऊपर।